गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम मैथ में पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे और उसको जो है हम पढ़ेंगे। पहले में क्या है, फिर भरना है ना, क्या भरेंगे, प्लस जोड़ना है 70+4 है ना, बी में 80+8, सी में 57, ये आपको करना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर पहला नंबर में है, फिल इन ए ट्वेंटी प्लस फोर, बी 80+8, सी 57, डी 92, डी है 92, ई एफ जी, में 5 tens and 1 J 6 tens and 6 K 8 tens and 9, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर एक खाली स्थान भरेंगे, देखिए 70+4 क्या आएगा, 70+4 आएगा, 74 आ जाएगा, ठीक। 80+8 आ जाएगा, ठीक। 57 में 50+7 57 हो जाएगा, है ना, 50+7 57 होगा, ठीक। 92 में 90+2 हो जाएगा, ठीक। 60+4 60 में 60 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा 64 आएगा। 70+5 75 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 90+3 93 हो जाएगा, इस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है ना। 80+6 86 हो जाएगा। 5 tens and 1 51 हो जाएगा, ठीक है। 6 tens and 6 66 हो जाएगा। 8 tens and 9 89 हो जाएगा, इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है ना। फिर 70+4 74 80+8 88, ठीक है ना। 57 50+7 57 92 में 90+2 92, है ना। और 60+4 64 हो जाएगा, 4 हम प्लस करेंगे तो 64 हो जाएगा। 70+5 75 होगा, है ना, 70 में जो 5 होगी तो 75 आएगा। 90+3
90 जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा, 6 से मैं 80 जोड़ेंगे 80 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, 5 10 sin 1 and 1 तो 51 आ जाएगा, 6 10 sin 6 66 हो जाएगा, 8 10 and 9 89 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें राजस्थान में फिर समझना है, ठीक है ना। ये हमारा निर्णय है। अगला देखिए, वन में टेंस वंस, ठीक। अब टेंस में कितने हैं ये आपको भरना है। ये सेवन है, 1 2 3 4 5 6 7 कितने, 1 2 3 ये सेवन होगा, ये होगा और 70 हो जाएगा, ठीक है ना। एम ए अगला है एम टेंस और वन, ठीक। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 5 6 इसमें जाएगा, 4 6 46 हो जाएगा, ठीक है। यन हो जाएगा टेंस और वंस, सिक्स 1 2 3 4 5 6 सिक्स और जीरो, ठीक। इस प्रकार से वन और टेंस में हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे, ठीक। वंस वन इकाई और दहाई, इकाई में तीन है तीन, दहाई में सेवन है 73 हो जाएगा। इस तरह हमें इकाई में 6 है और दहाई में 4 है 46 हो जाएगा, है ना। इस तरह इसमें टेंस में वंस में 0 है और टेंस में 6 है 60 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें वंस और टेंस के माध्यम से हम जो संख्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। अगला है राइट, राइट ए है 66 77, बी है 85 58, सी है 73 73, डी है 92 99, ई है 54 82, एफ है 67, जी है 95 95, एच है 83 64, ठीक है ना। राइट 66 लेस देन 77, 66 का में 77 से, है ना, 77 हमारा बड़ा है 77, ऐसे चलिए। 85 ग्रेटर देन 58, 85 बड़ा है, ये हम चिन्ह लगाएंगे,
ग्रेटर देन, ठीक है ना। 73 इक्वल है, बराबर है, तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 92 में 99 बड़ा है, 92 लेस देन 99, ठीक। 54 इज द 82, ठीक। 66 से छोटा है, 76 से छोटा हम चुन लगाएंगे। 84 से तो हम 83 लगाएंगे प्यारे बच्चों, 64 से। इस प्रकार से हम ये चिन्ह लेस देन ग्रेटर देन इक्वल कौन सी संख्या किधर बड़ी है ये आपको चिन्ह लगाना है। 66 जो है छोटी है 77 से, 66 लेस देन 77, 85 बड़ी है 58 से, 85 ग्रेटर देन 85 बड़ी है 58 से, 73 इक्वल बराबर है प्यारे बच्चों, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 92 लेस देन 99, 92 जो है छोटी है 99 से, 54 छोटी है 82 से, 54 लेस देन 82, 67 76 67 लेस देन 76, ठीक है। 35 लेस देन 95, 83 ग्रेटर देन 64। इस प्रकार से हम ये हमें चिन्ह लगाना है प्यारे बच्चों, ठीक। अगला देखेंगे, राइट राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट राइट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट छोटी से बड़ी क्यों लिखेंगे। 87 95 74 67 ठीक। राइट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट छोटी से बड़ी की ओर लिखना है, ठीक। छोटी से छोटी कौन है 60, है ना। फिर उससे 67, फिर उससे बड़ी क्या है 74, 74 से बड़ी क्या है 87, 87 से बड़े 95। इस प्रकार से हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट छोटी से बड़ी को चलेंगे। इसमें सबसे छोटी 60 है, फिर उससे बड़ी 67 है, उससे बड़ी 74 है, 74 से बड़ी 87 है, 87 से बड़ी 95 है। इस प्रकार से हम छोटे से बड़े को प्यारे बच्चों चलेंगे। तो हमने पहले 60 लिखा, 67 लिखा, फिर 74, 87, 95। इस प्रकार से हम बढ़ते हुए लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए चौथा, राइट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट
राइट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़ी से छोटी की ओर चलेंगे। ठीक, फिफ्टी सिक्स, सेवेंटी वन, नाइन्टी फोर, सिक्सटी फाइव, एट्टी थ्री, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, बड़ी से छोटी क्यों चलना है, क्या करना है, बड़ी से आपको छोटी की ओर चलना है। ठीक है, इसमें जो है सबसे बड़ी कौन सी पहले बच्चों, 94 है, 94 लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 94 से फिर छोटी क्या है, 94 से फिर छोटी क्या है, 83 है, 83 से छोटी फिर क्या है, 71 है, 71 से छोटी क्या है, 65 है, और 65 से छोटी 56 है, सबसे छोटी 56। इस प्रकार से हमें पहले सबसे बड़ी, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी हम लिखेंगे। इस प्रकार से पहले बच्चों हमें बड़ी से छोटी की ओर चलेंगे, पहले 94, फिर 83, 71, 65, 56, इस प्रकार से हम बड़ी से छोटी की ओर चलेंगे। पहले 94, 83, 71, 65, 56, इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम जो है बड़ी से छोटी, बड़ी संख्या से छोटी की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, 5, टिक द, टिक द लार्जेस्ट, टिक द लार्जेस्ट नंबर बड़ी संख्या का टिक लगाना है, 92, 87, 57, 76, 90, इस प्रकार से टिक द लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या में सही का चिन्ह लगाना है। 92 सबसे बड़ी संख्या, 87, 57, 76, 90 इसमें सबसे बड़ी संख्या में सही का चिन्ह लगाना है। अगर बच्चों 92 सबसे बड़ी संख्या है, इसको जो है लगाना है। ठीक, 6 है, ठीक है, टिक द स्मॉलेस्ट, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, सेवेंटी थ्री, फिफ्टी फोर, एट्टी वन, 66, 50, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें जो है सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। ठीक है ना, या इसमें जो है टिक द स्मॉलेस्ट, टिक लगाना है, 73 है, 54 है, 51 है, 56 है, 50 है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों, ये हमें देखना है। इसमें सबसे छोटी संख्या टी है। पहले में देखा पांचवे में टिक द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या में टिक लगाना है, 92, 87, 57, 76, 90, इसमें सबसे बड़ी संख्या 92 है, तो हमने 92 में सही का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, इसमें टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें सबसे छोटी संख्या में लगाना है। ठीक है, इसमें 73 है, 54 है, 81 है, 66 है, 50 है, तो
फैक्ट्री में सही का चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार से हमें सही का चिन्ह लगाना है बच्चों, ठीक है। A tells once, C tells 01 में 6 प्लस करेंगे। B है tens और ones, 7 सी है tens ones और tens डी है टेंस वन टू टेंस फोर वन ई है tens, 5 tens, 5 ones, 6 tens, 4 ones। अब इसको हमको जोड़ना है क्या बच्चों, ठीक है ना। वंस को वंस में जोड़ेंगे और टेंस को टेंस में, थ्री टेंस जीरो वंस प्लस सिक्स वंस में, वंस को जोड़ा सिक्स थ्री टेंस में थ्री, तो हमारा आंसर आ गया सिक्स वंस थ्री टेंस तथा 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह टेंस को बी में, सेवन वंस में थ्री टेंस और टू वंस जोड़ेंगे, तो वंस को वंस में टेंस को टेंस जोड़ेंगे, सेवन टू नाइन भी आएगा, थ्री टेंस थ्री हो जाएगा, नाइन वंस थ्री थ्री टेंस अर्थात 39 आएगा आंसर, नाइन वंस थ्री टेंस हमारा आंसर आएगा। सी में देखेंगे फोर टेंस वन मंथ में प्लस एट वंस को हम जोड़ेंगे, प्यारे बच्चों वंस को वंस में इसको टेंस में 8 प्लस 1 9 और ये 4 हमारा 49 आंसर आएगा, 9 वंस और 4 टेंस ये आएगा। इस डी में है 2 टेंस 4 वंस में 3 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो टेंस को टेंस में और वंस को वंस में जोड़ेंगे, तो 4 वंस में 3 वंस में 4 3 7 और 2 टेंस 27 7 वंस और 2 टेंस ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगला ये देखेंगे 5 टेंस 8 वंस में 3 टेंस 1 वंस में जोड़ेंगे, 8 वंस में 9 और 5 3 8 अर्थात 9 वंस 8 टेंस ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यह है 5 टेंस 5 वंस 2 टेंस 2 वंस, इसको हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों वंस को वंस में और टेंस को टेंस में तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 5 टू 7 हो जाएगा, 5 टू 7 हो जाएगा, 77 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 टेंस 4 वंस, 3 टेंस 2 वंस, 4 टू 6
ये हमारा 6 1 9 10 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। अगला देखेंगे तो A tells 1, 9 tells 0 में फॉर्म में जोड़ना है, क्या है जो A B tells 1, ठीक है। 2 tells 0 ones, 8 tens 0 ones, फिर भी जोड़ेंगे। C tens 1s, 5 tens 1 ones, 2 tens 8 ones, फिर हम जोड़ेंगे। D tens 1s, 6 tens 5 ones, 3 tens 1, E tens 1s, 8 tens 0 ones, 5 ones, F tens 1s, 4 tens 0 ones, 3 tens 0 ones, G tens 1s, 7 tens 4 ones, 2 tens 5 ones, H tens 1s, 4 tens 5 ones, 5 tens 4 ones, इस प्रकार से जोड़ेंगे। वंस को वंस में और टेंस को टेंस में क्या रहेगा तो जोड़ेंगे, 0 0 आ जाएगा, 9 1 में 10 ये 100 आएगा, 0 1 में 0 आएगा, 8 10 आ जाएगा, ठीक। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, 5 2 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 4 बढ़ेंगे 6 आएगा, 6 में 3 9 आएगा, 6 1 9 10, 0 में 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। 0 आ जाएगा, साथ में 7 आ जाएगा, इसलिए 4 9 9 5 4 9, इस प्रकार से हमारा ये आंसर आएगा। प्यारे बच्चों इसको जो है पहले में 0 0 0 10, दूसरे में भी 100 आएगा, तीसरे में 79, चौथे में 96, बाकी में 85 या फिर 70, जी में 99, इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये हमें घर से लाएंगे, ठीक है ना, डब्लू में लिख ले। डब्लू में ए tens 1s, 4 tens 3 ones, 5 tens 0, इसको आपको जोड़ना है, ठीक।
we had 10s, 1, 1 10, 0 1, 9 10, 0, William told me, C had 10, 1, 3 10, 0, 7 10, 0. D had 10, 7 10, 3 1, 2 10. E had 5 10, 2 10. इस बात पे इनको प्यारे बच्चों हमें जुड़ना है तो वंस को वंस में टेंस को टेंस में जोड़ेंगे और हम उसको करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमको ये होमवर्क में ये आपको करना है ना, इस तरह हमें करेंगे। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।